नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एनसीबी जांच के बीच दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े, बोले किसी काम से आया हूं। आईपीएल 2022 में लखनऊ और अहमदाबाद की नई टीमें आरपीएसजी ग्रुप और सीवीसी कैपिटल होंगे मालिक। अफगानिस्तान में फंसे हिंदू सिखों को जल्द निकालने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में जश्न मनाने वालों के सपोर्ट में आई महबूबा मुफ्ती, कहा विराट से सीखो। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद कोरोना ने डराया, फिर बनाए जा रहे कंटेनमेंट जोन। ग्रेटर नोएडा में शूटर दादी की बेटी सीमा तोमर से बदसलूकी, पुलिस ने 17 दिन बाद दर्ज की एफआईआर। नोएडा पुलिस के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी 2 सोसाइटी की सबसे बड़ी चोरी, पुलिस के लिए जी का जंजाल बना, 17 किलो सोना और 55 लाख रुपए। कुरान पर हाथ रखकर बाबर आजम की गर्लफ्रेंड ने खाई कसम, बोली 10 साल तक शोषण करता रहा पाकिस्तानी कप्तान। भारत अभी अभी हारा है, इस वक्त बात करना ठीक नहीं, खिलाड़ी इमरान खान का शर्मिंदगी भरा बयान। दिल्ली कोरोना अपडेट, 27 नए मरीज आए सामने, 40 ठीक होकर लौटे घर। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।